क्या कर रहे हो बाबू? हम यहाँ कन्विंसिंग कर रहे हैं। किसकी कन्विंसिंग कर रहे हो? अपने पापा की। कौन है? पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मुनव्वर अली है। अच्छा, क्यों कन्विंसिंग कर रहे हो? क्या मतलब? मेरे पापा चेयरमैन बनना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ कन्विंसिंग कर रहा हूँ। तो क्यों चेयरमैन बनाना चाहते हो? अगर पापा चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या करेंगे चेयरमैन बन? मेरे पापा चेयरमैन बन के मऊ की सुविधाएं सही करा देंगे, पानी सही देंगे, घर बनवाएंगे और रोड बनवाएंगे। अच्छा, तो जब लोगों के पास तुम जा रहे हो या पर्चा दे रहे हो, अपने पापा का हैंडबिल दे रहे हो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है जाओ। बहुत अच्छा है। हाँ सही है। तो पापा जीत जाएंगे लग रहा है? हाँ लग रहा है। अपने बच्चों को लेके आप चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, सारे नेता जो है इतना बड़ा बड़ा भीड़ लेके निकलते हैं, लोगों को लेके निकलते हैं, आप बच्चों को लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने आप में क्या पारंपरिक को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब पूरे मऊवासियों को। और मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मैदान में आया हूँ वैसी साहब का टिकट लेकर। और मैं आपने जो सवाल किया बच्चों को लेकर उतरे हैं, तो बिल्कुल मैं बच्चों को लेकर आज उतरा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर जो 18 मुकदमा बनाया गया है और मजलिस के जो पहले सिपाही थे उनके ऊपर जो है, मजलिस के जिला अध्यक्ष थे उनके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया, उनका मैरेजाल सील कर दिया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन का दहशत लोगों के अंदर बना हुआ है। और जो 2-4 साथी हमारे यहाँ चल रहे हैं और बच्चे जो है शौक से जो है, पापा हम भी चलेंगे, चलो भाई। कहा जाता है बच्चों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी दुकान तोड़ा गया तो उस वक्त भी आप बच्चों को लेके गए थे? भाई बड़े जब नहीं आएंगे हमारा साथ देंगे, तो बच्चे हमारे साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह साथ देते रहेंगे। और उम्मीद है कि मऊ की आवाम एक बार हमारे हमको समझेगी, हमें भी मौका देगी। तो ऐसी उम्मीद क्यों है आपको? वो अब तक नहीं समझा? सुनिए, 24 वोट मिला है, कुछ लोग बाहुबल जो चलता है, जो दल बल चलता है, आबाद देख लीजिए, अरशद अलग जो है भौकाली मचाए हुए हैं और आबिद अख्तर अलग भौकाली मचाए हुए हैं, मार 10-10 गाड़ियों काबिला 20-20 गाड़ी को चल रहा है, निर्वाचन आयोग कहाँ है? इसीलिए तो कमजोर प्रत्याशी गरीब आदमी जो है चुनाव नहीं लड़ पाता है। आज करोड़ों का चुनाव इन्होंने बना दिया है, वहां खाते में दिखाएंगे जो है निर्वाचन आयोग को कि हमने इतने कम में चुनाव लड़ा है। इसकी अगर जांच हो जाती है दोनों का जो है मतलब भंग हो जाएगा चुनाव लड़ने से पहले ही। तो आप बता रहे हैं करोड़ों खर्च करके लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में आप कैसे चुनाव? मैं अल्लाह के भरोसे और मऊ की आवाम के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे अल्लाह पाक के जात पर पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हमको मऊ की जनता चेयरमैन या विधायक बनाएगी। मऊ में काफी जमाने बाद देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का लगातार दौरा चल रहा है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री किसको हराने के लिए और किसको जिताने के लिए आ रहे हैं? वाईसी साहब मैदान में कूदे हैं तो इसलिए मंत्री का दौरा बढ़ गया है, उनको डर है कहीं मऊ वाली सीट मुख्तार को इन्होंने खत्म किया है जैसे भी अपना जो है बुलडोजर सुलडोजर चला के, अब इनको खतरा है कि मऊ में जो है वाईसी साहब का परचम अगर गड़ जाएगा तो फिर ये उखड़ नहीं पाएगा, इनको खतरा है ये वाईसी साहब को और उनके प्रत्याशी को हराने, मुनव्वर मुर्गा को हराने आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं ना कल? अच्छा, उनको हम ही को हराने आ रहे हैं, वाईसी साहब का जो है कैंडिडेट लड़ रहा है मैदान में। हाँ। अब वाईसी साहब खुल के बोल रहे हैं, अब तक क्यों नहीं योगी जी और उनके चर्चर मंत्री मऊ में कभी दौरा हुआ था छोटा चुनाव में, निकाय चुनाव में? मतलब आपकी इतनी दहशत है भाई? वैसी साहब इसके पहले हमने प्रोग्राम लगाया था, नहीं आ पाए, इसलिए मैं वैसी साहब को नहीं बुलाऊंगा। हाँ, आप लोग अगर जीत दिला दे रहे हैं, आप लोग की ताकत अगर उनको मिल रही है तो इंशाल्लाह उनको बुलाया जाएगा मऊ के सर जमीन पर और उनको मऊ नगर पालिका तोहफे के रूप में इस सिपाही को आप लोग देने का काम करेंगे। एक सवाल ये है कि अगर भाजपा अपने प्रत्याशी को इतनी मजबूती से लड़ा रही है तो आपकी मजलिस अपने प्रत्याशी को मजबूती से क्यों नहीं लड़ा रही है? क्या कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन की बात नहीं आती, बी टीम वाला काम? फिर यहाँ पर सवाल है, अब मऊ की आवाम समझ चुकी है कि जो बी टीम और सी टीम जो लोग कहते हैं तो वो हरिजन यादव और कुर्मिया के नहीं कहता है, वो हमारा ये मुसलमान भाई जो दूसरे में तीतर की तरफ पल रहा है, काजू बादाम मुनक्का खा रहा है, वो बोलता है कि बी टीम और सी टीम, कहीं साबित कर दीजिए भाजपा से मिले हुए हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जहाँ जहाँ MIM लड़ती है वहाँ वहाँ दूसरी पार्टियां हारती है, भाजपा की सरकार बनती है। तो इसको अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, मायावती को सोचना चाहिए कि जब मजलिस जो आ रही तो उनको हिस्सेदारी दे, हम हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी जो है मलाई यादव खाएंगे, मलाई जो है अरे ये खाएंगे जो है दलित खाएंगे, अब मुसलमान मलाई नहीं खा सकता है,
मौका जो है वो गठबंधन करे, हम लोग उनको मजबूर करेंगे और 24 में भी निकलने नहीं देंगे, ये भी बता दे रहे हैं, लड़ेंगे मजबूती से। ये तो अभी जो है सेमीफाइनल है, अभी फाइनल निकलने नहीं देंगे, मतलब खेल बिगाड़ेंगे भाई। अगर वो हमको नहीं कदर करेंगे तो हम जो है लड़ेंगे, हमारा अधिकार है, समर्थन करे। 80 सीट अगर है लोकसभा में, 20 सीट दे, 25 सीट दे मजलिस को, क्यों नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर अय्यूब और वैसी साहब जो है ये पानी में छान के आए हैं, हिंदुस्तानी जो है हमारे लीडर है, और लीडरशिप बढ़ाना हम लोग का काम है। उनको वैसी साहब को यादव हरिजन मजबूत नहीं करेंगे, मुसलमान ही मजबूत करेगा। इंशाल्लाह मऊ नगर पालिका से हम लोग जिता के भेजेंगे। तो आपने कहा यादव और दलित मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमान मजबूत करेगा, तो उनका वोट आपको नहीं चाहिए? वोट चाहिए जिस दिन मुसलमान एक तरफा वोट मानने लगेगा, जैसे मुसलमान जाके यादव के यहाँ बैठता है, टिकट मांगता है, अखिलेश यादव के यहाँ मायावती जी के वहाँ जैसे जाके वोट टिकट मांगते हैं, वैसे जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारे वहां भी दलित भाई आएगा, हमारे वहां भी यादव भाई आएगा, तो हम लोग जो है टिकट देंगे और इंसाफ करेंगे। हम लोग इंसाफ करने वालों में से है। मऊ के आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही बात, कार्यक्रम को भी जोड़ते हुए, योगी जी के कार्यक्रम को भी जोड़ते हुए कुछ कहना चाहेंगे मऊ की जनता से? इसके पहले जो चुनाव हम लड़े थे विधानसभा में, योगी जी में जो है मुश्किल से जो है 2-4-5 हजार आदमी थे, लाखों का मजमा हमारे साथ था, लेकिन कहीं ना कहीं से चूक हो गई। इस बार योगी जी के प्रोग्राम में जाके देखिएगा, मंत्री चल रहे हैं, उनको दहशत बनी हुई है कि मऊ की सीट हार जाएंगे, जो ए के शर्मा मंत्री जी हैं कि उनकी मंत्रालय में चली जाए, उनको डर बना हुआ है। आवाम से अपील यही है कि इस बार वैसी का झंडा, मजलिस का झंडा गिरे, क्योंकि ऐसे भी हमको पिटना है। हम माया मुलायम अखिलेश को वोट दे के, कांग्रेस को वोट दे के, भाजपा को वोट दे के हमारे ऊपर मुकदमा बनाया जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है, नशे लगाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे के हमें जिताए। साथ में घूमने क्या वजह है? ये आने वाले कल का मुस्तकबिल है, और भी नन्हे नन्हे बच्चे हमारे साथ खड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में ये आगे चल के नेता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं तो बहुत बड़ा जो है विचार लेके चलता हूँ मऊ की आवाम के लिए, मऊ के लिए। यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में बनवा दिया होता अब तक, मैं अगर विधायक बनाया तो अब तक मैं बुनियादियां रखवा दिया होता, अंडरपास बनवा दिया होता। मऊ के सरजमी पे क्या हो रहा है? आबा ढाबा बना के वो आए ओम प्रकाश राजभर का टिकट लेके, और भर तो भगवान के नहीं हुए, हमारे हाथ तो क्या होंगे? एक बार भी बोले वो राजभर मुसलमानों के ऊपर जो है कई कई मुकदमा फर्जी बनाए गए, एक बार भी बोले? ठीक है अब्बास जेल में है, लेकिन इनको तो बोलना चाहिए। मुसलमानों कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, मुसलमानों कोई अगर आवाज उठाने वाला है तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक शख्स है वैसी, और कोई उठाने वाला है नहीं। आप लोग साथ दीजिए, और ये मासूम बच्चे हमारे कल भी धरना में हमारे साथ थे, और आज हमारे कन्वेंशन में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है कामयाब होंगे। लाठी डंडा खाना है, वैसे भी लाठी डंडा खाना है, हम जो है मजलिस वोट करेंगे। ठीक है जो भाई, हम कह रहे कि माया अखिलेश को हमने वोट देके देखा है, कहीं एक मुद्दे पे मॉब लिंचिंग पे कहीं भी हत्या हो रही है मुसलमानों के साथ, सबसे पहले वैसी साहब बोल रहे हैं। जब हमको ऐसे भी पिटना है, हमारे ऊपर मुकदमा ऐसे भी बनना है, हमको लाठी ऐसे भी खाना है, गोली खाना है, तो हम मजलिस वोट करेंगे क्यों भाई? नहीं कर रहे हैं, लाठी भी खाना है, डंडा भी खाना है, मुकदमा भी झेलना है, तो हम वोट क्यों माया को, मुलायम को दे, अखिलेश को दे, क्यों कांग्रेस को दे, क्यों भाजपा को दे? वैसे ही मेरा आवाज उठा रहा है ना सदन में, वैसे ही पूरा हिंदुस्तान में आवाज उठा रहा है। लोग कहते हैं ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, मैं मानता हूँ कि ऐसे लगे जेड टीम है, लेकिन वैसे ही जो है आवाज सदन में और वोट को उठाने वाला आदमी है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वोट हमें देंगे। जो चाचा एक बार राजभर, वो क्या करता है कि मुसलमानों को अपनी खुद की आपको बहका कर गुमराह करके। वालेकुम अस्सलाम, बस अपना क्रम है, आप लोग मजलिस को मजबूत करें, वैसी को मजबूत करें,
इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में कामयाबी मिलेगी। अब बहुत हार जीत का फर्क नहीं है, 30 से 40 हजार वोट देंगे आपका वैसी चिट्ठा जो है एक सिपाही चेयरमैन हो जाएगा। थाना की लड़ाई हो, कलेक्ट्रेट की लड़ाई हो, घोषबंदी हो, उठबंदी हो, पासबुक का उनके पासबुक का समस्या हो, एनआरसी का समस्या जो उसमें आया था मुनव्वर सबसे आगे आगे था। लड़ाई मैं लड़ता हूँ, हमलाई कोई और काटता है। आज 18 साल का दिन निकल गया, हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बार हमें वोट देने का काम करेंगे इंशाल्लाह।